इंट्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं साइकोलॉजी का एकदम स्टार्टिंग फेज है और कैसे हमारा साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ है, वो चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या है ना कि साइकोलॉजी जो है, ये आप सिंबल जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये आपका देख सकते हैं, देखिए ये इसको साइकोलॉजी का सिंबल है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, ये साइकोलॉजी का सिंबल, आप साइकोलॉजी का ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये है साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी क्या है ना कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, बिहेवियर जो है, बिहेवियर एक ओवर्ट है, ठीक है। ब्रैकेट में देखो ओवर्ट लिखा हुआ है, ओवर्ट का मतलब है ना जिसको हम लोग देख सकते हैं, और ये मेंटल प्रोसेस कोवर्ट है, जो यानी जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, जो माइंड के अंदर चलता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारे जो साइकोलॉजी है ना, वो ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट और ये कोवर्ट दोनों का स्टडी करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है। तो हमारा बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो बिहेवियर कैसा है, कोवर्ट है, यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेंटल प्रोसेस को देख नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये डेफिनेशन पहला है, इसको याद रखना है, ये साइकोलॉजी का एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करेंगे ना, साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो साइकोलॉजी है उसको एज ए साइंस कंसीडर किया गया है, और कहीं कहीं आर्ट्स भी कंसीडर किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, सबसे पहले देखेंगे, देखो साइंस होता क्या है। साइंस हमारा है ना ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, ऑब्जर्वल की बात करता है, एक्सपेरिमेंटल की बात करता है। तो साइंस जो है ना, ये तीनों की बात करता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जर्वल क्या है, और कैसे एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये तीन चीज़ जहाँ होते हैं, वही चीज़ साइंस का होता है फिनोमिना, ठीक है ना। जब आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स क्या है ना, आर्ट्स से ऐसा नहीं बात करता है कि ऑब्जर्व होना चाहिए, आर्ट्स का कोई तुम्हारा क्वांटिटिफाई नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। ये एक फिनोमिना है आर्ट्स में, क्या करता है कि हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं वो सब्जेक्टिव भी होता है कहीं कहीं। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या है कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आता है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बिना पर जो हिस्टोरियन है उन्होंने कुछ चीज़ें डाला है, ठीक है। कोई अलग हिस्टोरियन आएगा, वो कुछ और चीज़ डालेगा, वो उसका प्रूफ मांगा जाएगा कि आप कैसे इस बात को कह सकते हो। तो कुछ कुछ एविडेंस दे देगा, देखिए ऐसे ऐसे है, तो वो चीज़ों को जोड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है देखो, लेकिन साइकोलॉजी में क्या है ना कि आपको एकदम एक एविडेंस आपको देना पड़ेगा, ऐसा एविडेंस कि कोई भी आदमी आए तो उसका सारा का सारा आपको सेम आना चाहिए। तो साइंस में होता है कि आपका जो भी आप रिसर्च करते हो ना, तो उसका आंसर हमेशा कोई भी करे, ए आदमी करे, बी आदमी करे, तो हमेशा सेम आना चाहिए। तो वो साइंस में होता है, ठीक है। तो साइंस में वो चीज़ देखने को मिलता है हमें, तो आर्ट्स में बस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है। तो आर्ट्स में क्या होता है ना कि आर्ट्स में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक प्रूफ आपको कम देखने को मिलेगा, प्रूफ नहीं देखने को मिलता है। जैसे फिलोसफी है, फिलोसफी में आपको प्रूफ क्या ही मिलेगा, वो बातें हैं, ठीक है, लेक्चर्स हैं, किसी के लिए अप्लीकेबल होता है, किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो चीज़ है, रिजल्ट हमेशा सेम नहीं आता है। अब आते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है ना कि साइंस जो है, साइंस हमारा क्या है, स्टेटस एज ए साइंस है इसका इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन वेलफेयर क्या है, और ये अप्लाइड साइंस हम लोग का यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि हम लोग देखो ह्यूमन पर है बात करते हैं, और यहाँ पर अप्लाइड होता है, ठीक है ना। तो अप्लाइड साइंस का ये पार्ट हमारा साइकोलॉजी कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है, क्योंकि ये अप्लाइड है। कुछ भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे, या एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, तो सब अप्लाइड पार्ट है आपका। तो ये अप्लाइड पार्ट हमको साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमको देता है, ठीक है। एग्जैक्ट वो साइंस हमको नहीं दे रहा है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दे रहा है, ये आपका ह्यूमन वेलफेयर का है, तो अप्लाइड साइंस आपको दे रहा है, ठीक है ना। बाकी सब बात करेंगे कि ये आपका कि इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है आपका। इसमें देखेंगे देखो एक्सपोर्टर है, ठीक है, यानी कि आंसर आपको दे रहा है, ठीक है। इसमें आप बोरोवर है, यानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर भी तुमको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई कोई बच्चा है उसका IQ कैसे बढ़ जा रहा है, वो चीज़ें हैं, तो उसका आंसर वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बात यहाँ पर करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब देखो, अब क्या है कि वही यहाँ पे बात करता है आपका कि अब यहाँ पर अगर इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि इतिहास ऐसा कैसे कैसे आया है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग
ईस्ट की बात करते हैं, अपने की इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर बात करेंगे ना, ईस्टर्न की बात करेंगे, जो कि नेट जीआरएफ में आपको सबसे पहला टॉपिक है, तो वहां देखो किस जो भागवत गीता हम लोग का है ना, भागवत गीता में दिया गया है, जो कि फाउंडेशन ऑफ सूफिज्म है। अब सूफिज्म कैसे कहेंगे, सूफिज्म तो कहेंगे कि आपका ये तो उर्दू वर्ड है, सूफी तो आया है बाद में, लेकिन नहीं, सूफी मतलब भक्ति, भक्ति की बात कर रहे हैं। तो भक्ति वाला जो पीरियड है ना, भक्ति के लिए, तो ये हमको फाउंडेशन दिया गया है कि सबसे पहला भक्ति नामा जो है वो कहाँ पर है। तो देख, जो भगवान के प्रति जो होता है ना, कि भगवान में एकदम विलीन हो जाना, तो कहाँ है, कृष्णा की बात हुई, कृष्णा में विलीन हो जाओ, ये सब तो ये भागवत गीता की बात करते हैं। आप बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल में जाओगे, वहाँ भागवत गीता, भागवत गीता, ठीक है। बाकी मैं इस्कॉन टेम्पल पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो अलग चीज है। तो वो आप कोई भी टेम्पल में जाओगे तो भगवत गीता का मतलब, भगवत गीता क्या बता रहा है आपको, कि कृष्णा की भक्ति करो, अपने कर्म पे चलो, तो वो सब जो भी चीज है, तो फाउंडेशन ऑफ सूफिज्म है वो, ठीक है ना। अब देखो भागवत गीता में क्या था, कि अब भागवत गीता के लॉर्ड जो कृष्णा थे, कृष्णा क्या टीचिंग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं। मेरा एक वीडियो है इससे पहले, वो देख लेना आप, उसमें डिटेल मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो वहां पर क्या है कि आपको ये लॉर्ड कृष्णा है जो टीचिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से टीचिंग फाउंडेशन भी है साइकोलॉजी का, किस तरह से आप टीचिंग दे रहे हैं। तो देखो पहला एक किताब ऐसा, भागवत गीता एक बहुत पुरानी किताब है हमारे पास, पहला किताब कि कैसे किसी बंदे के माइंड को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसमें, इस किताब में क्या दिखा रहा है, कि कृष्णा का टीचिंग है, कृष्णा क्या कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, किसका काउंसलिंग कर रहा है, तो अर्जुन का काउंसलिंग हो रहा है। यहाँ पे जो कृष्णा टीचिंग दे रहा है ना, तो पहला फाउंडेशन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का हमको दिखता है, कि टीचिंग फाउंडेशन है, काउंसलिंग लव फाउंडेशन है। तो ये चीजें हैं भागवत गीता में दिखाई गई हैं, है ना। उसी तरह से गुरु नानक की बात करेंगे तो लीड इन ए लाइफ की बात उन्होंने किया है, गुरु नानक ने भी कहीं कहीं इसकी बात की है। तो साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर से ही डिस्कवरी हुआ है, उससे पहले भी इंडियन कल्चर में चीजों के है, लेकिन हाँ इंडिया का जो चीज है वो बाहर गया, फिर इसका हम लोग का जो जो भी हम लोग का नॉलेज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, जो नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, ये सब चीज जला दिया गया। फिर ब्रिटिश हमारे यहाँ पे, ब्रिटिश कभी भी नहीं चाहते थे कि इनकी चीजों को हम लोग ये दिखा दे कि हाँ आप लोगों ने ओरिजिन किया है, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा अपने आप को दिग्घमंड करता है। सिंपल सा साइकोलॉजी है, आप समझ सकते हैं कि हमेशा कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, ना कि वो इन्फीरियर दिखाएगा। तो जब तक आपके सामने वाला आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर दो, उसका अगर एक एग्जैक्ट प्रूफ जो कि दुनिया दुनिया को साबित कर दोगे, ठीक है ना, वो वाला प्रूफ नहीं रहेगा, तो उस सारा क्रेडिट वो खुद को लेना चाहेगा। तो वही चीज़ ब्रिटिश ने किया, और सारा चीज़ को खुद को क्रेडिट दे दिया कि सारा साइकोलॉजी हम ही खोज रहे हैं, सब चीज़ हम ही, मेरे यहाँ से हुआ है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति हमारे यहाँ से हुआ है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है, इंडिया में है। खैर, जो भी ये डॉक्यूमेंटेड है तो इस पे कोई कर नहीं सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट पे लिखा वही कर सकते हैं, लेकिन हाँ फाउंडेशन जो है ना हमारे लाइफ टीचिंग का, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। चलो यहाँ पर जानते हो भावगीता में एक चीज है, माइंड बॉडी का एक मिसलीडिंग भी हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। कृष्णा भी इसमें भावगीता में क्या कहेंगे कि आपका जो आत्मा है, आत्मा कहीं ना कहीं आपके शरीर से अलग हो रही है, और आत्मा कहीं ना कहीं आपके शरीर को वश में की हुई है, ये सब बातें हमको देखते हैं। सेम यही चीज प्लूटो ने भी काम किया है, प्लूटो में भी माइंड बॉडी रिएक्शन की बात की गई। तो यहाँ पर है ना माइंड बॉडी मिसलीडिंग की बात की गई है, जो प्लूटो ने बात किया वही भावगीता में भी लिखा हुआ है, सेम चीजें हैं माइंड बॉडी का, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके बाद देखेंगे कि हमारे जो इंसान है ना, वहाँ पर क्या क्या है हमारा। देखो एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो देखो पहला बॉडी है हमारे अंदर, माइंड है और सोल है, ठीक है। तो देखो बॉडी जो होता है ना, हमारा बॉडी जो है वो सेंसेसिंग डिवाइस है, जो सेंसेशन कर रहा है आपका बॉडी क्या है, हीट को सेंसेशन कर रहा है, इसी चीज़ को सेंसेशन कर रहा है। माइंड, माइंड क्या करता है, उस सेंसेशन को इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है, इंटरप्रिटेट कर रहा है माइंड हमारा, ठीक। तो माइंड, माइंड हमारा क्या क्या इंटरप्रिटेट करता है, तो माइंड हमारा इंटरप्रिटेट करा, इंटरप्रिटेट करेगा, और उससे एक सेंस हमारा कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करेगा, इंटरप्रिटेट कर कुछ निकालने की कोशिश करेगा, जो कंक्लूजन होगा उसको। और सोल जो करेगा ना, वो रियलिटी और आइडियल रीजन की बात करेगा, कि ये जो अभी सेंस किया गया है वो किस बेसिस पर है, क्या है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो बॉडी सेंस करता है, माइंड उसको इंटरप्रिटेट करता है, और सोल उसको समझ जाता है, समझ उसको इंडिकेट करता है कि देखो भैया इसके पीछे यही है, हमारे पास रीजन यही है, ठीक है। तो ये चीज है, तो माइंड बॉडी इस तरह से हमारा काम करता है, ठीक है ना। ये देखो सोल कहोगे कि सोल तो आत्मा, आत्मा है नहीं, ये उस टाइम की बात करें, सोल हमारे अंदर की कॉन्शियस की बात की गई, जो बाद में कॉन्शियस आया है हमारे अंदर उसकी बात की गई है। तो वो चीजें हैं हमारे अंदर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो ये चीज है, जो आजकल के मेमोरी वोरी में देखोगे सेंसरी हो गया, फिर क्या आपका ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया, तो इस तरह से हमारा करते हैं। तो वही देखो ओल्ड का है ये, ओल्ड की बात की गई, तो इस तरह से हमारा है, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें जो है प्लूटो और एरिस्टोटल ने भी यही चीज की बात की गई है। यहाँ पे देखो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी में प्लूटो ने क्या बोला कि ये माइंड बॉडी इंटरेक्शन है,
क्या है, माइंड बॉडी इंटरेक्शन है। तो माइंड बॉडी इंटरेक्शन हमारा है, देखो यही चीज ऊपर में देखो बॉडी और माइंड का मिसलीडिंग बताया गया है, यहाँ पे भी देखो यही चीजों को बताया जा रहा है कि माइंड बॉडी इंटरेक्शन है, ठीक है ना। तो मैंने एक और वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है वहां पर, जो पार्ट टू शायद होगा, पार्ट टू में मैंने बात किया है, देखना एक पार्ट टू होगा वहाँ पे एशियंट एशियंट साइकोलॉजी का, तो वहाँ पर पार्ट टू में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एक पूरा एक डेटा है जो कि जिससे नेट में काफ़ी ज़्यादा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कौन किसका किताब लिखा हुआ उसके बारे में पूछता, तो मैंने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को किया, देख लेना एक बार। तो वहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बताया कि माइंड बॉडी इंटरेक्शन की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे सेंसेशन और परसेप्शन की बात की गई, देखो सेंसेशन और परसेप्शन होता है तो यही माइंड बॉडी इंटरेक्शन है, ठीक है ना, क्या सेंस कर रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही माइंड बॉडी डिबेट यहाँ पर एक निकल के सामने आता है, टॉपिक है माइंड बॉडी डिबेट। तो माइंड बॉडी डिबेट कहाँ से निकल के आ रहा है, प्लूटो से, पिछले साल, ये पिछले साल नहीं, ये आपका कौन सा, हाँ जून, ठीक है, जून 2023 में, ठीक है, जून 2023 में नेट में ये क्वेश्चन आया था कि माइंड बॉडी इंटरेक्शन दिया किसने था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो उसका आंसर प्लूटो था। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि वो चीजें था, ग्रीक, या ग्रीक आंसर देगा तो ग्रीक फिलोसफर है तो वहां पर है, ठीक है, ये चीजें हमको देखने को मिल जाती है। अब आओ, ठीक है, ये लेक्चर यूपीएससी के लिए ही, सारा जो है लेक्चर है ना यूपीएससी, यूपीएससी का है, ठीक है, यूपीएससी नोट्स का है, मैंने लिखा हुआ है, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा कारगर है। तो खैर सिलेबस सेम है, आप पढ़ सकते हो। चलो यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है ना, एक्सटेंड, ठीक है ना, बाकी माइंड बॉडी जो इंटरेक्शन है वो एक्सटेंड करता है, और जो इन्फ्लुएंस है देखो इसका इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो यहाँ की ज्यादा नहीं मिलता है, एशियंट की बात कर रहे हैं, तो ये एशियंट था, एशियंट था। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेडाइवल की बात थोड़ा करते हैं, मेडाइवल में बाबू अब आएंगे तो मेडाइवल में बात करेंगे हम लोग, क्या है कि देखो ये क्या है ना कि हिपोक्रेटस की बात करते हैं। हिपोक्रेटस जो कौन है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस हमारे पास है यहाँ पर, और मैं लास्ट में जाकर ना क्वेश्चन ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ मैं क्वेश्चन भी आगे जाके डिस्कस करूंगा बहुत सारे, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर है कि हिपोक्रेटस जो है ना, हिपोक्रेटस क्या है कि ये आपका फादर ऑफ मेडिकल साइंस होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइंड, ठीक है, गिवन बॉडी और गिवन माइंड की बात इन्होंने किया है कि देखो भैया दोनों के दोनों हमारे पास है, ठीक है ना। तो इन्होंने वो चीज़ है, देखो ये फादर ऑफ मेडिकल साइंस है, बस इतना याद रखना, हिपोक्रेटस है, ठीक है। अब इसमें एक आता है नाफ, नाफ, ठीक है, तो नाफ हमारा है, नाफ देखो मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, एज ए डिजीज। तो ये सबसे पहला जो फर्स्ट किताब था ना, फर्स्ट बार अरब ने इसको डिस्कवर किया था मेडिवल में। मेडिवल का एक बहुत बड़ा दिन ये है, देखो मेडिवल में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। मैंने इससे पहले सारा एंशिएंट हिस्ट्री का एक अलग से टॉपिक बनाया है बहुत डिटेल में, जो कि लगभग शायद 40 मिनट का है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया, वहां पर देख लेना। देखो क्या है ना कि मेडिवल में क्या था कि मेडिवल में ना साइंस की उतनी डेवलपमेंट हुई नहीं थी, क्योंकि मेडिवल में क्या था ना कि मेडिवल में वो तुम्हारा ये रोमन, और रोमन एम्पायर और आपका ये जो ये इस्लाम की एम्पायर थी, तो दोनों आपस में लड़ाई कर रही थी, तो वहाँ पे इन्वेडिंग चल रहा था, बार बार लड़ाइयाँ चल रही थी, तो लड़ाइयाँ चल रही थी तो वहाँ पर क्या था ना, कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिलता नहीं हम लोग का। रिलीजन का उदय होता है तो सारा चीज़ें ना कि रिलीजियस वे में जा रहा होता है, ठीक है। तो रिलीजियस वे में देखो, रिलीजन वे में जाएंगे ना तो कोई भी हम लोग लॉजिकल बातें नहीं करते, रिलीजन में लॉजिकल बातें होती ही नहीं यार, ठीक है। तो वहां पर लॉजिक की बातें नहीं करते हैं, तो जब लॉजिक की बातें नहीं करेंगे तो साइंस नहीं जाएगा, जब साइंस नहीं जाएगा तो कहाँ से ये साइंस की, साइकोलॉजी की डिस्कवरी होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग झाड़फूक करते हैं, किसी को मेंटल डिसऑर्डर होता है तो झाड़फूक किया जाता है, तो धीरे धीरे अरब वालों ने इस पर एक किताब लिखा कि नहीं ये कुछ है ना, मेंटल डिसऑर्डर है, इसके बारे में बताया। तो नाफ सबसे पहला यहाँ पाया फर्स्ट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, नाफ का, नाफ जब भी आएगा तो अरब से रिलेटेड है हमको, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखो क्लासिकल की बात करेंगे तो क्लासिकल में देखो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या है, डकैंट है, ठीक है, डकैंट है, ठीक है। तो इसको तुम्हारा डेस्क्रेट लिखा हुआ है लेकिन इसको डकैंट पढ़ते हैं, जॉन लुकी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, बाइलेटर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, ठीक है, यानी कि देखो बाइलेटर है, यहाँ पे देखो पिनियल ग्लैंड की बात की गई, पिनियल ग्लैंड है ना वो कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी इंटरेक्शन को हमारा कोऑर्डिनेट करता है, ये रिलेट है पिनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पिनियल ग्लैंड का हमको बाइलेटर यहाँ पे बताया गया है, इस चीज को, वही चीज है यहाँ पर, लेकिन इसको मेजर नहीं किया गया है, ठीक है, आगे जाकर इसको इसको उतना ज्यादा मेजर नहीं किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जब जॉन लुकी की बात करेंगे तो जॉन लुकी ने क्या किया है ना कि जॉन लुकी ने बोला कि देखो भैया हमारा माइंड जो है ना वो टेबुला रासा है। टेबुला रासा का मतलब क्या है, टेबुला रासा का मतलब होता है ना कि देखो भैया हमारा जो माइंड है ना वो एम्प्टी है, खाली है, जब जन्म लेते हैं ना तो बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है, उस पर जो चाहे वो लिख दो वैसा हमको दिखाई देगा।
तो वो चीजें हमको यहाँ पर पता चलती है। तो जॉन लुकी ने कौन सा ये दिया, टेबुला रासा था। टेबुला रासा किसने किया, जॉन लोक ने दिया है। इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूरा पूछेगा, ये सब चीजें पूछती है। तो जो जो मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ पूरा ध्यान में रखते जाना, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जामिनेशन अभी नेट के दिए हैं या फिर बाकी दिए हैं तो वहां पर आपको यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो नेट के लिए, और लास्ट में भी यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो चीजें। तो देखो पढ़ते जाओ सिर्फ। तो यहाँ पर क्या, माइंड का टेबुला रासा की बात की गई है। अब आगे आओ, यहाँ पर है, अब मॉडर्न की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो मॉडर्न की जब बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर देखो मॉडर्न में हमारे क्या, फर्स्ट लैब जो आता है वो लिप्जिग में खोला जाता है। कहाँ पर होता है, विलियम उंड है, ठीक है ना, विलियम उंड है। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की, कब की, 1879 में, ठीक है। अब देखो विलियम उंड जो है ना, वो अस्टक्लिज्म के आपको फादर एक तरह से कहे जाते हैं इन्होंने। फिर इनके जो शिष्य थे वो उड ये टिचनर थे, तो उन उन सब ने मिलकर ना एक लैब का उद्घाटन किया था। और वहां पर लैब से ये बताया था, देखो साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी जो है एक साइंस है हमारा, तो देखो इसको फिलोसफी से अलग करो, एक अलग सा ब्रांच बनाओ। सबसे पहले इन्होंने ये कहा, अलग से ब्रांच बन गया। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो गई थी हमारी, ठीक है। क्या अब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, ना कि हम लोग फिलोसफी। तो हम वही कह रहा हूँ कि देखो जो विलियम उंड ने ना, विलियम उंड ने जो आपको दिया था, तो विलियम उंड ने वही कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो यही हुआ। यहाँ से शुरुआत होती है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की, ठीक है, कॉन्शसनेस की बात होती है। तो स्ट्रक्चरलिज के ये फादर कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कौन से स्ट्रक्चर ऑफ माइंड करके हम लोग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर होगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए कॉन्शसनेस, ठीक है ना। यहाँ से क्या डेफिनेशन आया, कॉन्शसनेस है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कॉन्शसनेस को ध्यान में रखता है, ठीक है, कॉन्शसनेस को रखता है ध्यान में। अब बाकी आते हैं, टिचनर ने फिर इसी को फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। कॉन्शसनेस जानते, तो कॉन्शसनेस में जानते हो तीन तरह के हमको देखने को मिलते हैं। एक वो डायरेक्ट सेंसेशन आता है, एक दूसरा इमेजिनेशन है, तीसरा इमोशन है, ठीक है। तो ये तीन चीज हमको देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट सेंसेशन है कॉन्शसनेस में, क्या है, डायरेक्ट सेंसेशन हुआ, फिर इमेजिनेशन करते हैं, फिर हम लोग इमोशन में जाता है। तो ये चीजें हैं। टेक्निक जो है ना, ये स्ट्रक्चरलिज्म का वो टेक्निक है इंटरसेप्शन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है, इंटरसेप्शन मेथड है। इंटरसेप्शन मेथड का देखो ड्रॉबैक ये है ना कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, यानी कि बंदा जो भी होगा ना वो कुछ भी बताएगा। देखो इंटरसेप्शन मेथड होता है कि इस मेथड में है कि मैं आपको कहूंगा कि आप जो भी फील कर रहे हो ना मुझे बता दो, ठीक है। मैं आपको कुछ भी पूछूंगा, कोई फोटो दिखाकर कुछ भी, तो मैं जो भी आप फील कर रहे हो वो आप मुझे बता दो। तो देखो इसमें सब्जेक्टिव मैनर होगा, वो नहीं चाहेगा कुछ ऐसी चीजें बता दे जो उसके बारे में निगेटिव इम्पैक्ट करे, तो अपने अपने निगेटिविटी को छुपाएगा कहीं ना कहीं। तो वही चीज यहाँ पर क्रिटिसाइज है, ये सब्जेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। बाकी आते हैं, यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखते हो देखो तुम्हारा कि ये आपका क्या है, हार्ड स्कूल ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेटा हम लोग का, ठीक है। इसका क्रिटिसाइज ये भी है कि हार्ड स्कूल ऑफ डेटा, डेटा की इसमें काफी ज्यादा कमी होती है, डेटा नहीं है इसमें, लैक ऑफ डेटा का कमी होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। अब आते हैं देखो उसके बाद है फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। तो फंक्शनलिज्म में हमारा जो है वो आपका है कि विलियम जेम्स ने इससे शुरुआत की थी, ठीक है, और जॉन डीवी थे उनके साथ मिलकर, ठीक है। यहाँ पर वह कॉन्शसनेस जो है ना, कॉन्शसनेस इज ए स्ट्रीम चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे चेंज होता है, अब आता है माइंड है ना, माइंड माइंड इज चेंजिंग, यानी कहने का मतलब है कि माइंड यहाँ पे चेंज कर रहा है। यहाँ पे एक दिया हुआ है कोट है कि नो मैन कैन डीप इनटू द सेम वाटर ट्वाइस, कह रहा है कि एक ही पानी में कोई आदमी बार बार नहीं डूब सकता है। जो एक बार जान गया ना वो बार बार उसी चीज को नहीं करेगा। तो वही चीज बता रहा है इसमें कि बार बार रिपीटेशन नहीं होता है। अगर हाथ एक बार जल गया तो दोबारा थोड़े ना हाथ जाएंगे जलाने के लिए। तो वो चीजें हैं कि इंसान सीख जाता है। तो वो इन्होंने बताया कि देखो फंक्शनलिज्म पे सारी बातें होती है, फंक्शनलिज्म पे है वो चीजें। फिर आते हुए कॉन्शियसनेस जो हुआ ना, वो धीरे धीरे हमारा चेंज होता है, और चेंज होकर हमारा क्या माइंड माइंड चेंज होता है। यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी होता है, ये स्टडी ऑफ माइंड की बात करते हैं, यानी कि पहले कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियसनेस से किस पे आ गया, माइंड पे आ गया, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस की स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे सब माइंड की स्टडी करेंगे। ये चीजें है जो मेथड इसमें है, मेथड कौन सा यूज किया जाएगा फंक्शनलिज्म में, फील्ड फील्ड स्टडी यूज किया जाएगा, ठीक है। फील्ड स्टडी में क्या होगा, रियल लाइफ सेटिंग में हम लोग करेंगे। यहाँ जो एक और मेथड होगा ऑब्जर्विंग मेथड होगा, ऑब्जर्वल मेथड, वहाँ पे इंटरसेप्शन था, यहाँ पे ऑब्जर्विंग मेथड था, रियल फील्ड स्टडी मेथड यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमारी है, ओके। तो अब आते हैं देखो, अब दोनों तो हम लोगों ने शॉर्ट में देख लिया, अब थोड़ा देखो दोनों में डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो देखो स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करेगा। यहाँ फंक्शनलिज्म जो है फंक्शन ऑफ माइंड की बात करेगा, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ फंक्शन है, नाम से ही पता है पहला। दूसरा देखो इसमें जो है ना, इसमें कॉन्शियसनेस की बात करता है, क्या कि कॉन्शियसनेस जो है ना वो स्टैटिक है,
ठीक है, जो कॉन्शसनेस है वो क्या है, स्टैटिक है। यहाँ पे ये करता है कि नहीं, कॉन्शसनेस स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो स्ट्रीम है, वो चेंज होगा, चेंज उतना ही फंक्शनलिज्म में तुम्हारा जो है कॉन्शसनेस को चेंज करने के लिए बोला गया कि नहीं चेंज होती है। वही बोला गया कि एक पानी में बार बार आदमी डुबकी नहीं लगाएगा, क्योंकि एक बार हाथ जल चुका तो थोड़ा ना दोबारा वो हाथ जलाने जाएगा, वो चीज़ को सीख चुका है, फंक्शन सीख चुका है करना, तो वही चीज़ में बात की गई है। जो स्ट्रक्चरलिज्म में है ना, इसमें मेथड तुम्हारा जो इंट्रोसेप्शन मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोसेप्शन मेथड है, यहाँ पे तुम्हारे का फील्ड स्टडी मेथड है जिसमें ऑब्जर्विंग मेथड यूज करते हैं हम लोग, है ना, वो चीज़ें हैं। अब जो ये जो इंट्रोसेप्शन मेथड है ना, वो ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि रियल लाइफ सेटिंग में फील्ड स्टडी किया जाता है, तो इसमें कोई देखो ट्रेंड मेथड जो ट्रेंड है वो भी चाहिए होंगे इसमें बहुत ज़्यादा, जो ट्रेंड उतना नहीं है ना वो भी चीज़ों को डेटा को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, वो चीज़ें। कलेक्शन ऑफ डेटा, देखो देखो कलेक्शन ऑफ डेटा है यहाँ पर, ठीक है, डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जो इंटरसेप्शन मेथड है, यहाँ पे यूटिलिटी होता है, हर एक डेटा का यूज करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ डेटा है देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा इंटरसेप्शन मेथड जो है ना वो फेक हो सकता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि इंटरसेप्शन मेथड में अपना निगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा वो, ठीक है, कोई भी अपना बायोग्राफी लिखता है तो निगेटिव पॉइंट नहीं लिखता है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं पर इसमें क्या है ना कि देखो फील्ड स्टडी मेथड वो चेंज वो फेक बहुत कम से कम मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि हम रियल लाइफ सेटिंग में कर रहे हैं तो उसको वैसा बिहेव करना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यहाँ सब्जेक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इंट्रोसेप्शन मेथड में क्या सब्जेक्टिविटी है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है ना, क्या है आपका मॉलिक्यूलर अप्रोच देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर अप्रोच है, यहाँ पे मोलर अप्रोच है आपका, अप्रोच आपका ओवरऑल देखने को मिलता है, यहाँ पर एक ही पर रहता है, यहाँ पे एक पे नहीं है, पूरा का पूरा एक एनवायरमेंट पे मोलर अप्रोच है, ठीक है, वो चीज़ देखने को मिलता है। और वही रिडक्शन इट्स व्यू, ठीक है, व्यू में फिर रिडक्शन आता है, तो वही चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो दोनों में हम लोगों ने ये चीज़ किया था, मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है स्ट्रक्चरिंग फंक्शनलिज्म, उसमें भी एक बार देखना, उसमें मैंने और थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपको, तो ये चीज़ें हैं। अब आएंगे यहाँ पर जॉन डीवी की बात करेंगे, तो जॉन डीवी जो है ना, जॉन डीवी की बात करेंगे तो देखो जॉन डीवी जो है वो लर्निंग एज पर डेवलपमेंटल स्टेज की बात किया गया है, ठीक है ना, तो इसकी बात ये करते हैं जॉन डीवी का, इसका याद रखना, लर्निंग एज पर डेवलपमेंट स्टेज। अब देखो यहाँ पर जो है इतना बता दिया, डिफरेंस आपको बता दिया, यहाँ पर देखो यूपीएससी का जो क्वेश्चन क्या बनेगा ना, यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा कि आपको कहेंगे कि डिफाइन डिफाइन या फिर डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा, या फिर हाउ द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, एनालिसिस द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये करके आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट, अगला जो हमारा स्कूल है ना वो है आपका बिहेवियरिज्म है, ठीक है, कौन सा है, बिहेवियरिज्म की बात करेंगे। बिहेवियरिज्म हम लोग पहले ही जानते हैं कि बिहेवियरिज्म जो बिहेवियर है वो ओवर्ट है हमारा, यानी कि ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो देखा जा सकता है, इंस्पायर्ड किससे, पॉजिटिविज्म से है, ठीक है ना, इससे इंस्पायर हमारा आता है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर फैक्ट की बात की जाएगी, सीधा सी बात है। इसके जो हमारे फाउंडर जो है वो कौन है, वॉटसन है, जेबी वॉटसन इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, डेफिनेशन चेंज होगा, ठीक है, डेफिनेशन क्या चेंज होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर होगा। अब देखो कैसे कैसे डेफिनेशन चेंज हुआ है, डेफिनेशन प्लूटो ने क्या बोला था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद क्या हुआ जब विलियम उंडाय द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस, उसके बाद क्या कहा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, अब क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो देख सकते हो कि हमारा साइकोलॉजी का डेफिनेशन लगातार चेंज पर चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना, ये जेबी वाटसन ने दिया था। अब ये स्कूल ऑफ क्या है ना, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग नाम क्या क्या है, इस नाम को बहुत ज़्यादा कर लेना, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में ना या फिर कहीं पर भी आपको ये सब नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होना कि अरे ये तो कुछ अलग डायमेंशन है, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है। इसका नाम क्या है, पहला क्या है, एसोसिएशनलिज्म, ठीक है, ये पहला है। इसमें क्या है आपका एसआर, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस साइकोलॉजी भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस साइकोलॉजी, ये भी है। दूसरा है इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंस इसको बोला जाता है, फिर इन्वायरमेंटलिज्म भी बोला जाता है, फिर एपिजेनेटिक साइकोलॉजी बोला जाता है, तो इतने सारे इसके नाम है, अलग अलग नेम है, ठीक है, तो ये कुछ भी कर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसी को नाम में ध्यान रखना है आप लोग का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे ये क्या है ना कि मैनिपुलेबल है, ठीक है, ये कहता है मैनिपुलेबल डिटरमिनेंट की बात बताता है, बताते हैं। तो वाटसन बोले कि देखो
बात ऐसी है, किसी भी व्यक्ति को ना आप हमको दे दो 100 बच्चे दे दो, इन्होंने बोला था एक स्टेटमेंट है कि 50 बच्चे मेरे को दे दो, और आप जिसको जो बोलोगे ना वो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि देखो क्या है ना, बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बिहेवियर को हम लोग है ना आउटलाइन कर सकते हैं, हम लोग उसको जैसा था वैसा शेप में ढाल सकते हैं, किसी भी पर्सन को ना इन्वायरमेंट चेंज करके उसको डाला जा सकता है। सिंपल सा तुमको एग्जाम्पल बोलते हैं, तुम जब इंडिया में रहते हो तो इंडिया का कल्चर अलग है, तुम उसके हिसाब से जाते हो, जब जैसे यूके में, इंडिया को छोड़ो, तुम बिहार में किसी गांव में रहते हो, विलेज में रहते हो, तो विलेज का कल्चर अलग है, तुम उसके जैसा रहते हो, जैसे शहर में तो शहर के जैसा हो जाते हो, लैंग्वेज में चेंज आता है, तुम्हारे बोलने में, पर्सनैलिटी में, सब चीज़ में चेंज आ जाता है। तो वो चीज़ें हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें की बात करते हैं। अब आगे हो, आगे की बात हम लोग ये करेंगे कि वही है कि हम लोग क्या कि ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग आर द पैसेसिव है, हमारा ये चीज़ें बात बोलता है, वो रिस्पॉन्स है, मैनिपुलेट होता है, हमारा मैनिपुलेट कौन होता है, इन्वायरमेंट करता है, तो ये चीज़ें बताते हैं। यहीं पर हमारा था जो तो मैंने जॉन लुक का बताया था कि टेबुलर आशा की बात बताया था कि वो भी एक बिहेवियरिज्म के हैं। तो टेबुलर आशा ने कि खाली खाली है, आपका दिमाग खाली, उसको जैसे चाहे वैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये आपका एक फियर फिनोमिना है, देखना क्या है, फॉल्टी एवोल्यूशन अबाउट रियलिटी, ठीक है, ये चीज़ें की बात की गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मैरी जो कवर जो मैरी मैरी कवर जॉन्स, ठीक है, यहाँ पर है लिटिल एल्बर्ट, ठीक है, लिटिल एल्बर्ट की कहानी मिलती है, ठीक है, उसके बारे में जनरलाइज किया गया है आपका वहां पर, क्योंकि लिटिल एल्बर्ट की अब कहानी क्या थी, लिटिल एल्बर्ट की थोड़ी सी कहानी ये सुन लो कि क्या था, एक बच्चा था तो उसको क्या है कि खरगोश से डरता था, ठीक है, उसको क्या जब खरगोश आता तो उसके पास एक डरावना सा आवाज कर दिया जाता, तो बच्चा डर जाता, और धीरे धीरे खरगोश को देख के डरने वाली टेंडेंसी पैदा हो गई। फिर बाद में उसके बाद ना खरगोश ले जाया जाता, और इस बार आवाज नहीं निकाला जाता, ठीक है, उससे बार बार अच्छे से बिहेव करवाया जाता, धीरे धीरे फिर क्या था, वो जो डर था ना, डर धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है, अब उसके साथ खेलने लगा वो रैबिट के साथ, यानी कि पहले एक बार में डर 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 उसको बना दिए, उसके बाद हम आगे जाकर उसको डर खत्म कर दिए। तो ये चीजें हैं, वही चीज यहाँ पे बताई बताई गई है, ठीक है, वही जो साइंस है, तो ये क्या है, प्रिडिक्टेड है, वही कह रहा है कि आपका बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये कौन सा लॉ ऑफ बिहेवियर की बात यहाँ पे करता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो यही साइंस है। साइंस आपको क्या बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो देखो आप किसी के साथ ये चीज करोगे, सबके साथ आपको वही सेम रिजल्ट मिलेगा, तो साइंस का मिल गया ना फिनोमिना हम लोग को देखने को कहीं ना कहीं, तो वही चीज है, वही स्टिमुलस ओ आर, इसको क्या है, स्टिमुलस ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स साइकोलॉजी भी कहा जाता है, जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। देखो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, इसमें स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म यानी कि थिंकिंग, और ये आ जाती है कॉग्निटिव स्कूल हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात किया, स्कूल ऑफ इसको प्रॉब्लिज्म भी बोला जाता है, तो ये अलग अलग इसके नाम होते हैं, ठीक है ना, SOR हो गया, SOR साइकोलॉजी, कॉग्निटिव कॉग्निटिव स्कूल, या फिर स्कूल ऑफ प्रॉब्लिज्म हो गया, अलग अलग नाम इसको मिलने के मिलेगा। यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यह है, अब इसमें क्या है ना कि कांट डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस एंड प्रोसेस ऑफ परसीविंग द स्टिमुलस, इसकी बात यहाँ पे करते हैं, ये चीजें हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन ह्यूमन की यूनिक बोला गया कि सबकी यूनिक टेंडेंसी अपनी अपनी, बिहेवियर फॉलो अ ब्लू प्रिंट एंड अ कॉग्निटिव मैप, कह रहे कि कोई भी बिहेवियर होता है ना उसका एक अपना मैप है, उसी मैप पर वो चलेगा, कॉग्निटिव मैप है उसी पर चलेगा, तो ब्लू प्रिंट है हमारे यहाँ पर, तो बिहेवियर जो है ना वो हमारे दिमाग के अंदर एक ब्लू प्रिंट है, उसी पर वो वर्क करता है, उसी बिहेवियर पर जाएगा, ब्लू प्रिंट उसी पर काम करेगा। तो ये ब्लू प्रिंट की बात बोला गया था, कॉग्निटिव मैप की बात बोला था, किसमें बोला था, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बोला गया था, ठीक है। तो ये चीजें की बात की गई है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा तो उसके अंदर एक पैटर्न डेवलप है, उसी पैटर्न के अनुसार ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो पैटर्न फिक्स होता है, तो फिक्स पैटर्न की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, वो चीज है। अब आते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, देखो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे तो गेस्टाल्ट यानी कि ये पैटर्न पैटर्न की बात करता है। नहीं, लिटिल एल्बर्ट जो है ना, लिटिल एल्बर्ट ने कोई स्कूल नहीं बनाया, लिटिल एल्बर्ट एक एक्सपेरिमेंट का नाम था, लिटिल एल्बर्ट ना जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बच्चे का नाम था, एक बच्चा का नाम लिटिल एल्बर्ट है, ठीक है ना। जहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये आपका ये बिहेवियरिज्म की मैं बात कर रहा था, ठीक है, बिहेवियरिज्म मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ पर है, तो लिटिल एल्बर्ट जो है ना, लिटिल एल्बर्ट एक एक्सपेरिमेंट का नाम है, एक बच्चे का नाम था, ठीक है, जिसको ये मैरी कवर जॉन्स, ठीक है, जॉन्स ने किया था, ठीक है, मैरी जॉन्स ने किया था। तो ये आपका वो ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट का नाम है, ठीक है ना, बच्चा बच्चा का नाम वो है लिटिल एल्बर्ट, ठीक है, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये बिहेवियर स्कूल ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो वही इसी के बेसिस पे बताया गया कि बिहेवियर जो होता है ना वो चेंज होता है, और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्रिडिक्टिबल है, मैनिपुलेटेड है। तो बिहेवियरिज्म कि जो ये क्या है ना, देखो सारे स्कूल एक दूसरे का क्रिटिसाइज करता है,
तो ये बिहेवियरिज्म आया फंक्शनलिस्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहेवियर पे आता है, ठीक है ना, बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने के लिए। कॉग्निटिव आता है, वो बोलता है कि नहीं भैया मैनिपुलेट नहीं है, बात ऐसा है कि एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न, उसी पे आपका दिमाग काम करता है, उसी पे सारा ह्यूमन का काम करता है। तो वो चीज़ है। तो लिटिल एल्बर्ट क्या है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक बच्चा का नाम है जिसमें मैंने बताया क्या कहानी थी, रैबिट से उसको डराया जाता था, ठीक है, वो चीज़ है। समझ में आ गई? हाँ ओके थैंक यू। ओके चलो, तो अब आगे देखते हैं कि हम लोग को, देखो ये एसवार था, एसवार कॉग्निटिव स्कूल था, ठीक है। अब गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट में देखो, गेस्टाल्ट में सिंधी सी बात है ना, गेस्टाल्ट का मतलब है, समझ लेना, मतलब ये है परसेप्शन की बात करें यहाँ पे करेगा, ठीक है। आपको परसेप्शन, ये गेस्टाल्ट पूरा परसेप्शन पे ही बात करता है, किस तरह से आप किसी चीज को परसीव करते हो, ठीक है ना, परसेप्शन की ही बात ये करेगा गेस्टाल्ट, ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर गेस्टाल्ट की बात करते हैं, परसेप्शन की है हम लोग का, यहाँ पर किस तरह से आप परसीव करते हो, परसीव एज ए होल, परसीव एज ए पार्ट। गेस्टाल्ट बोलता है कि हम लोग क्या है ना, परसीव एज ए होल करते हैं, किसी भी चीज को पूरा एज ए होल परसीव करते हैं, ठीक है, पार्ट नहीं देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि देखो इस तरह से हमारा ये हो गया, मैं डॉटेड एक स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, आप इसको क्या परसीव करोगे, ठीक है, इसको क्या परसीव करोगे, मैंने ऐसे ऐसे डॉटेड बना दिया, एक तरह का आपको ये क्या है, एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्वायर है क्या, नहीं है स्क्वायर, ये डॉटेड है, स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर तो ये हुआ, स्क्वायर ये है, ये तो आपको स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोगों ने इसको परसीव किया कि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, हम लोग फोरग्राउंड बैकग्राउंड परसीव करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये है आपका इस तरह का इमेज बना, तो आप इसको क्या परसीव कर रहे हो, एक क्यूब परसीव कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये क्यूब तो यहाँ पर है ही नहीं, टू डी डायग्राम है, ठीक है। तो हम लोग परसीव करते हैं कि हाँ ये बैकग्राउंड हो गया, ये फोरग्राउंड हो गया, ठीक है ना, वो चीज है। तो वही परसेप्शन की बात यहाँ पे कर रहा है आपका, ठीक है, वो चीजें हैं। तो एज ए होल हम लोग परसीव करते हैं, जब भी परसीव करते हैं तो एज ए होल करते हैं, होल मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये स्टेटमेंट याद रखना, ये क्वेश्चन में सीधा पूछ देता है, होल इज मोर देन इट्स सम ऑफ पार्ट, ये चीजें क्वेश्चन देकर आपको पूछेगा, यूपीएससी में बोलेगा कि इसको आप डिस्कस कीजिए, ठीक है, यूपीएससी में क्या बोलेगा, इसको डिस्कस कीजिए, कैसे आप कह सकते हैं, तो पूरा गेस्टाल्ट के थ्योरी को इसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको नेट के एग्जाम में इसको पूछ देता है कि ये आपका कैसे रिलेटेड है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जून 2023 का ये क्वेश्चन था, होल ऑफ समय पार्ट, आप इसका चार ऑप्शन दिया होता है कि चार ऑप्शन से कौन इसको सही से इसका मैच करना था, तो वो चीजें थी, ठीक है ना। तो इस चीज को, स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट रखो कि होल इज अ मोर देन सम इज पार्ट, यानी कि हम लोग जो होल है ना वो हमेशा इसके पार्ट से ज्यादा होता है, ठीक है, वो है गेस्टाल्ट। इसमें अब आगे जाकर जब साइकोथेरेपी की बात करेंगे तो गेस्टाल्ट थेरेपी भी निकल के सामने आता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ रोल की बात की गई है, इसी में इम्पैथी की बात आती है, इम्पैथी भी यहीं से निकल के आता है, ठीक है ना। इम्पैथी मतलब आपका उसके उसके जगह पर, सिंपैथी होता है कि आप अपने जगह पर रहकर उससे संतावना दे रहे हैं, इम्पैथी मतलब होता है उसके जगह पर रहकर उसके सारे चीजों को सोचेंगे, ठीक है ना, कहते हैं ना कि तुम मेरी जगह पर आकर सोचो तुमको कैसा लगेगा, तो उसी को इम्पैथी बोलते हैं, ठीक है, वही है कि परसेप्शन आप दूर से मत करो, परसेप्शन नजदीक में आओ, आप उसके जगह पर आके देखो एक बार, खुद को लाइफ में इन्वॉल्व करो, तब परसेप्शन आपको पता चलेगा, वो चीजें यहाँ बात की गई है, ठीक है, इम्पैथी का। अब आप उसके बाद हमारा जो अगला स्कूल आता है वो कौन सा है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल की यहाँ पे बात करते हैं, वो है तब ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, देखो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मैन सेंटर साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, यही तो आपका एंट्रोपोजेनिक साइकोलॉजी भी इसको बोला जाता है, तो इसके तीन अलग अलग नाम है, ठीक है, ये है। इसमें आते हैं कि मैन है ना, मैन को बोला गया कि रेशनल है और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, मैन जो है क्या वो रेशनल है, यानी कि लॉजिकल वे में सोचेगा और हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा, ग्रोथ की ओर आगे बढ़ना चाहेगा, अब खुद को सेल्फ हीलिंग भी करेगा, खुद कहीं खुद के दुख को हटाना भी चाहेगा, वो सेल्फ हीलिंग करता है और स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइज भी करता है खुद को, यानी कि ट्रांसलेटिंग द इनर इनर क्या है ये पोटेंशियल होगा, ठीक है, इनर जो भी आपका है, तो आपके अंदर का जो एक्शन है ना उसको ये आगे एनालाइज करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उस चीज को बात करेगा, और फ्री विल नॉट से, ठीक है, स्लेव, ये अपना फ्री विल रहेगा, ठीक है ना, खुद को आजाद रखेगा, ना कि किसी का स्लेव बन के रहना चाहेगा, किसी का ऑर्डर पालन करना चाहेगा। तो हर इंसान यही चाहता है कि हम आजाद रहें, अपनी 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 तरह से जिंदगी को जिए, सबका यही चीज होता है, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में यही चीज होता है, यही चीज है। यहाँ पर थ्री ट्रायंगल है, यानी कि थ्री ए का कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन और अचीवमेंट। आप एक्सेप्ट करोगे उसके बाद अफेक्शन होगा और आप अचीवमेंट करोगे, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है, थ्री ए का कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना, ह्यूमनिस्टिक्स है, ठीक है। कॉग्निटिव में बात करेंगे तो यहाँ तो कॉग्निटिव में क्या है, प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर की बात की गई, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक का ह्यूमनिस्टिक क्या है, मैन यूनिक की बात की गई है,
तो हमारे देखो कॉग्निटिव में क्या बोला था कि भैया देखो कॉग्निटिव बोला था ना कि हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हुआ। ह्यूमनिस्टिक बोला कि देखो भैया मैन होता है यूनिक होता है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी पे जाएगा। कॉग्निटिव जो था, कॉग्निटिव स्कूल था, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लिस्ट पे था, प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे था कि इंसान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिज्म की बात की गई है, क्या क्या पॉसिबल है उसके हाथों, ठीक है, इसकी बात की गई है। ये चीजें कहीं ना कहीं मिलती है। अब देखो कुछ डिफरेंस हमारे पास है कुछ, ठीक है, कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। डिफरेंस किसके किसके बीच में डिफरेंस हमको देखेंगे, देखो बिहेवियर और कॉग्निटिव के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस हम लोग है क्या क्या है, देखो कि पहला बताया गया ना कि जो ये पॉजिटिव बिहेवियर जो है पॉजिटिव है आपका, और पॉजिटिव फैक्ट को देखता है। यहाँ पे इंडिविजुअल परसेप्शन की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बिहेवियर जो है वहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है हमारा। यहाँ पर कॉग्निटिव में क्या है, ये कॉग्निटिव में आपका क्या स्टिमुलस है, बीच में आपका ऑर्गेनिज्म आने की थिंकिंग आता है, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। वो से ऑर्गेनिज की बात की गई है, ठीक है ना, ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग है ना उनकी बात की गई है, ठीक है, थिंकिंग की बात की गई है। यहाँ पर क्या है, ये बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर एसोसिएशन की बात की गई है, एसोसिएशन बैठाता है रिस्पॉन्स के साथ, स्टिमुलस के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या है, ये प्रिडिक्टेड विद द रेंज ऑफ आपका, ये जो भी आपका बिहेवियर है उस पर प्रिडिक्टेड रहेगा, उसकी बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। वो चीजें हैं, वही बिहेवियर प्रिडिक्टेड विद द सम ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ यहाँ पर दिखाया गया प्रिडिक्टेड। वहीं पे आर है, आर मतलब आर लर्न फ्रॉम द रिपीटेशन, रिपीटेशन के साथ बताया कि देखो इंसान है ना रिपीट करता है, एक हर बार बार चीजों को रिपीट करता है। वहीं पे ये बोलता है कि देखो भैया ऐसा नहीं है बार बार रिपीट थोड़े करेगा। जो वहाँ पे था कि देखो एक्टिव लर्निंग होता है, च्वाइस बेस होता है, ऐसा नहीं कि हाँ हम इस चीज को सीखना चाहते हैं। अब कोई आदमी खाना बनाना नहीं सीखना चाहता तो खाना बनाना नहीं चाहेगा, वो सीखेगा ही नहीं, वो खाना बनाना किचन में घुसेगा ही नहीं। तो च्वाइस की बात की गई है यहाँ पर, यहाँ पर रिपीटेशन की बात की गई है, यहाँ पर पैसिव लर्निंग की बात की गई है, यहाँ पर एक्टिव लर्नर की बात की कर दी गई है, ठीक है। आर जो है ना, आर ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द आपका रिस्पॉन्स पे होता है, यहाँ पर ये बताया गया। तो वो चीजें हैं हमारा, ठीक है, ये चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक। अब आ गया, उसके बाद देखो कि यहाँ पर है ना हमारे, यहाँ पर क्या है कि बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर को कहीं ना कहीं एनिमल स्टडी से आउटकम निकाला गया है। बेरियज में हम लोग आएंगे तो आपका पेलवोव की थ्योरी देखेंगे, और भी हम लोग थ्योरी देखेंगे। तो ये कहा कि एनिमल पे आप वो रिसर्च किए हो और उसका चीज इंसानों पर लागू कर रहे हो, तो वो चीज़ें सही नहीं है, वो चीज़ें बोला गया है। लेकिन यहाँ पर क्या ह्यूमन पे है, ह्यूमन ह्यूमन पे देखा गया है, ह्यूमन के डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न को देखा गया इसमें, यानी कि रिसर्च किस पे हुआ, बिहेवियरिज्म पर, एनिमल पर, इसमें हमारा किस पर, ह्यूमन पर, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉल्टी और लर्निंग की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्टी परसेप्शन की बात की गई है। यहाँ पे क्या हम लोग लर्न फॉल्टी कर लेते, जैसे लिटिल अल्बर्ट था, तो लिटिल अल्बर्ट क्या था, फॉल्ट लर्निंग कर लिया था खरगोश के खिलाफ, क्योंकि खरगोश क्या डरावना है, खरगोश क्या है राक्षस है, ठीक है। वैसा यहाँ पे फॉल्टी परसेप्शन की बात की, नहीं खरगोश उसने परसेप्शन कर लिया कि वैसा है, लर्न नहीं किया, परसेप्शन किया, तो परसेप्शन चेंज होता है, ठीक है ना, वो चीजें बताई है, वही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस है हमारा, वो चीज बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपका सब आपस में रिलेटेड है, बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे आर वन है वो एस वन, यानी कि रिस्पॉन्स वन और स्टिमुलस वन दोनों आपस में रिलेटेड है, और एस टू और आर टू दोनों आपस में रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो एस टू है ना, यानी कि सेकेंड जो स्टिमुलस है उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ इस चीज को क्या करता है, नहीं ऐसा नहीं है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये चीजें बताती है, ठीक है। ये हमारा था, दोनों में डिफरेंस था, ठीक है, वो चीजें हैं। अब आते हैं साइको एनालिटिक की बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि अभी मुझे टॉपिक खत्म करना है, आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। अब आगे की बात करेंगे हम लोग क्योंकि साइको एनालिटिक स्कूल की बात करेंगे, तो हमारे क्या क्या सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड इसमें आप फादर है हमारे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि देखो बाबू ऐसी दरअसल बात ऐसा है कि हमारा जो माइंड है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड है, जिसका तीन पार्ट में डिवाइड, जिसका 1/9 जो होता है ना, ये 1/9 हमारा क्या कॉन्शियसनेस है, और बाकी पूरा का पूरा ना जो हमारा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसमें अनकॉन्शियस सबसे ज्यादा पार्ट लेकर बैठा हुआ है, सारा चीज वही है। अनकॉन्शियस को बोला गया कि ये क्या है, रिप्रेस्ड अर्ज है हमारा, फॉरबिडन डिजायर है, वैसा डिजायर जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग को क्या बैन है सोसाइटी में, उसको उसको ढकेलना है, उसको दबाना है, तो वो सारे चीज यहाँ जाकर दब जाते हैं, वो उन्होंने बोला। इसके बाद इन्होंने सारे चीज कैसे लाया, ड्रीम एनालिसिस यानी कि रॉयल रोड। इन्होंने कहा कि देखो ड्रीम है जो ना, ड्रीम एक रॉयल रोड होता है जिस पर हमारा ये सारा का सारा डिजायर होता है बाहर निकल जाता है, डिजायर की पूर्ति करते हैं। देखो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है नहीं उस चीज का जो हमको डिजायर है, तो कैसे पूरा करेंगे, तो ड्रीम के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। तो ड्रीम के माध्यम से होता है सारी चीजों का पूरा, ठीक है, ये चीजें हैं।
वहीं पर हम लोग का है, यहाँ पर डिप्रेशन हो गया, आपका जो ईगो डिफरेंस मैकेनिज्म है, डिप्रेशन हो गया, सप्रेशन हो गया, तो वो चीज़ है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख लेना, ठीक है, सिगमंड फ्रायड की, मेरे लेटेस्ट वीडियो में होगा। तो वो चीज़ है, तो वहीं पर बताया डिप्रेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन की बात किया गया, यहाँ पर कि आपका सप्रेशन हो गया यानी कि आपका वो रिप्रेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया गया, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्टर्ब, तो रिप्रेशन से आप डिस्टर्ब होते हो, ठीक है, डिस्टर्ब की बात किया गया, सप्रेशन से आपका डिस्ट्रैक्शन की बात की गई है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हैं, आ गया हो, उसके बाद देखो स्टेटस ऑफ अब आता है। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी खत्म हो गया, या अब यहाँ तक तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। बोला जाए बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कंडीशनिंग लर्निंग बिहेवियरिज्म का हो सकता है और रीइन्फोर्समेंट वाला कॉग्निटिव का। नहीं, रीइन्फोर्समेंट और आपका कंडीशनिंग दोनों के दोनों बिहेवियर में ही आते हैं। स्किनर और पेवलोव दोनों के दोनों दोनों में बिहेवियर के ही हैं, साइंटिस्ट हैं, जो आगे जाके स्कूल में पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ूँ, डिटेल करेंगे तो वहाँ देखने को दोनों के दोनों वही मिलेंगे, हाँ। ठीक है ना। यहाँ पर आप, यहाँ परसेप्शन की बात की गई है, ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने लिटिल तो एल्बर्ट की यहाँ पे बुक किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ये बिहेवियरिज्म, आप इसकी कंडीशनल लर्निंग हो गया आपका, और यहाँ पर आपका ये रीइन्फोर्समेंट हो गया, यहाँ पर हो बिहेवियरिज्म में तो याद गया, है बट हाँ, इसका कॉग्निटिव का। कॉग्निटिव की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, आपका परसेप्शन बेस्ड आप बात कर सकते हो, किसको कैसे परसीव कर रहे हो, इंडिविजुअल पे बेसिस पे, है ना। तो आप ये ले सकते हो कि खरगोश को कोई कैसे परसीव कर रहा है, बच्चा कोई देखता है तो, बच्चा कोई देखता है तो खरगोश को देख के पहले डर जाता है, तो उसको डराया नहीं गया, ठीक है ना। आप ये देखते हो कि फर्स्ट टाइम कोई बच्चा खरगोश को देखता है तो वो उसको देख के डर जाता है, ठीक है ना। या फिर आप देखो कोई बच्चा जो है ना फर्स्ट टाइम किसी दूसरे पर्सन को देखता है, मम्मी पापा के अलावा, तो वो पहले पहले डरता है, ठीक है, लेकिन बाद में फिर उनको अभी अभी अगर हम बोले अगर बोले जो आजकल का एक सिनेरियो चल रहा है कि मतलब रेगुलर बेसिस पे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो वो आपकी आदत हो जाती है, तो वो हाँ बिहेवियरिज्म में आ हाँ गया। रिपीटेशन में आ और गया, जो आपको अच्छा, हाँ, जो आपको अच्छा लग रहा है वो अगर कंटिन्यूअसली आप कर रहे हो तो वो आपके कॉग्निटिव लर्निंग में आ गया हाँ कि ये कह वहां पे सकते आप हैं चीजों आपको को कि अवेयर होके आप, सुन क्योंकि आप उसको परसीव कर रहे हो, आपका रहे हो। इंडिविजुअल परसेप्शन है, वो बिहेव आपका हाँ, रिपीटेशन पे नहीं, ठीक है ना, अवेयर होके मतलब ठीक है। तो जैसे वही बता रहे हो कि बच्चा जो है, बच्चा देख के किसी को देख के डर जाता है, पहला बार अननोन को कोई देखता है तो अननोन चीज। को देख के डरता है, ठीक है ना, सेफ महसूस नहीं करता, तो उसका वो परसेप्शन है, ठीक है ना, हाँ उसका परसेप्शन, वो लर्निंग हाँ नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना, वो परसेप्शन है, ठीक है ना। अब जैसे कि आज के जमाने में बात करते हैं, कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से बात करता है, अगर कोई दूसरा आदमी देख रहा है तो कहता है अरे दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहती है, ये क्या परसेप्शन है, रिपीटेशन नहीं है, बिहेवियर नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये कॉग्निटिव बेस पर गया हुआ, स्ट्राइक किया हुआ है। भाई बहन भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना, हमेशा गलत क्या सोचना था, ये क्या है ना, ये हमारे अंदर पे वही इंडिविजुअल परसेप्शन की बात कर रहा है, समझ में आ गया। तो ये वाला एग्जांपल सही होगा ना? बेसिकली मतलब दिमाग में एक चीज को हाँ परसीव की बात प्रैक्टिकली कर सकते लेने हैं के ना, लिए सही होगा। परसेप्शन, उससे आपको कोई हाँ ठीक प्रीवियस है, तो रिलेटेड है नहीं, तो परसेप्शन की बात कर सकते हैं कि देखो परसेप्शन में हम एक्टिव लर्निंग करते हैं ना? हाँ परसेप्शन में एक्टिव लर्निंग करते हैं, वही बता रहे हैं कि चॉइस बेस्ड एक्टिव लर्निंग करते हैं हम लोग, ठीक है, एक्टिव लर्निंग पे यहाँ पे कॉग्निटिव में जो है ना, ठीक कॉग्निटिव में एक्टिव लर्निंग बात करता है, इसमें हम लोग रिपीट, इसमें पैसिव लर्निंग होता है हम लोग का, ठीक है, वो चीज है, समझ में आ एक गए। ही चीज को रिपीट करना। हाँ 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 पैसिव ठीक है लर्निंग ठीक रिपीट है, हो या फाइन, एक्टिव लर्निंग है, तो पहला बार देखा खत्म हो गया काम, ठीक है, ठीक है, ओके डन चलो डन ओके। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हो चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे कि कैसे हमारा साइकोलॉजी एज ए साइंस है, ठीक है, ओके, थैंक यू।